नहीं जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। जा रही है, इसे तैयार करने के लिए बकायदा क्राइम ब्रांच की तीन टीमों को लगाया गया है। क्राइम ब्रांच की ये तीनों टीमें इस वक्त पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली पुलिस के संपर्क में है और उनसे लॉरेंस बिश्नोई की एक एक गुनाहों की जानकारी लेकर बकायदा एक लिस्ट तैयार कर रही है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने अपराध करने की शुरुआत 2010 में पंजाब से की थी और इस समय उसके खिलाफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में करीब 98 मामले दर्ज है जिनमें हत्या, हत्या की कोशिश, उगाही, धमकी के मामले शामिल है। इन्हीं गुनाहों की एक समरी क्राइम ब्रांच तैयार कर रही है। दरअसल सलमान खान फायरिंग मामले के मुख्य मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से मुंबई लाने से पहले क्राइम ब्रांच उसके गुनाहों की एक समरी और अब तक की जांच में मिले अहम सबूतों के आधार पर कोर्ट मूव करने की तैयारी में है। क्राइम ब्रांच के पास लॉरेंस के शूटरों के ये बयान भी है जिनमें उन्होंने तमाम राज का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक इसी सप्ताह इन सबूतों को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा और लॉरेंस को साबरमती जेल से मुंबई लाने की अनुमति मांगी जाएगी, यानी अब लॉरेंस बिश्नोई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सूत्रों के माने तो क्राइम ब्रांच के पास सबसे बड़ा सबूत ये हाथ लगा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही अनमोल बिश्नोई को सलमान खान के घर पर फायरिंग कराने का प्लान तैयार करने को कहा था जिसका खुलासा उसके पुराने शूटर अनुज थापन और सागर पाल ने किया है। इतना ही नहीं, क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों सागर पाल, विक्की गुप्ता और अनुज थापन से पूछताछ में ऐसे ऐसे सबूत इकट्ठे किए हैं जो लॉरेंस बिश्नोई पर शिकंजा कसने के लिए काफी है। इन शूटरों ने कबूला है कि लॉरेंस के कहने पर ही सलमान खान के घर पर हमला किया गया। लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई लाने से पहले ही क्राइम ब्रांच ने मकोका लगाकर उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी है क्योंकि मकोका लगने से आरोपी को जांच होने तक जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। क्राइम ब्रांच ने ये भी पता लगाया है कि मौजूदा समय में लॉरेंस गैंग के लिए करीब 700 शूटर पूरे देश में काम करते हैं। इतना ही नहीं, मुंबई क्राइम ब्रांच पुणे पुलिस के संपर्क में भी है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुणे से भी लॉरेंस गैंग के सदस्य पकड़े गए थे। सूत्रों के मुताबिक मुंबई और महाराष्ट्र में लॉरेंस के कुछ स्लीपर सेल के मौजूद होने का शक क्राइम ब्रांच को है जिसकी पहचान करने की भी कोशिश की जा रही है।